हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, यह वीडियो उन बड़े बदलाव यानी कि चेंजेस के बारे में है जो CBSE 2019 के एग्जाम्स के दौरान हो सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला चेंज। लास्ट ईयर के सर्कुलर में कहा गया था कि स्टूडेंट्स को टोटल 33% लाने होंगे, लेकिन इस साल इसे बदल दिया गया है। CBSE ने अनाउंस किया है कि पास होने के लिए स्टूडेंट्स को 33% मार्क्स इंटरनल एग्जाम्स और रिटन एग्जाम्स में इंडिविजुअली लाने होंगे, यानी कि इंटरनल एग्जाम्स में 33% लाने होंगे और रिटन एग्जाम्स में भी 33% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। स्टूडेंट्स में तनाव और घबराहट को कम करने के लिए CBSE ने सभी विषयों के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स रिलीज किए हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको सैंपल पेपर्स की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप सभी सैंपल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं। ये सैंपल पेपर्स देख के आपको हेल्प मिलेगी कि एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। आप इनमें से कुछ पेपर्स सॉल्व भी कर सकते हैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए एग्जाम्स के टाइम पे। कभी ऐसे हुआ है कि आपको एग्जाम के दौरान एक क्वेश्चन नहीं आता हो? मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी इस सिचुएशन से गुजर चुके होंगे। इसीलिए CBSE ने इंटरनल ऑप्शंस बढ़ा दिए गए हैं। इस तरफ 2017-18 का सैंपल क्वेश्चन पेपर है। इस पर एक नजर डालें तो यहाँ सेक्शन ए में कोई इंटरनल ऑप्शंस नहीं देख सकते हैं हम, लेकिन 2018-19 के सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखें तो यहाँ सेक्शन ए में भी कुछ इंटरनल ऑप्शंस हैं और सेक्शन बी में भी कुछ इंटरनल ऑप्शंस हैं। ये एक बहुत ही हेल्पफुल चेंज है सभी स्टूडेंट्स के लिए। हम सभी ने अज्यूम किया होगा कि मैथ एग्जाम्स में हमें निश्चित रूप से स्टेप्स के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। CBSE ने ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मार्किंग स्कीम भी रिलीज की है। आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेप के लिए मार्क्स है, तो प्लीज हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें, भले ही आपको उसका सही आंसर मिले या ना मिले। मार्किंग स्कीम हर सब्जेक्ट के लिए रिलीज की है, तो आप सारे सब्जेक्ट्स के मार्किंग स्कीम्स जरूर देखें। आप ये मार्किंग स्कीम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको हर आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, कितने स्टेप्स इंक्लूड करने हैं, जो आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। हम सभी एग्जाम्स के पहले काफी टेंशन में रहते हैं और हमारा टेंशन और भी बढ़ जाता है जब हमें पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर्स लीक हो गए हैं। इससे बचने के लिए क्वेश्चन पेपर का डिजिटलाइजेशन किया गया है। परीक्षा के आधे घंटे पहले क्वेश्चन पेपर्स एग्जाम सेंटर को भेजे जाएंगे और क्वेश्चन पेपर वही के वही प्रिंट होंगे, जिससे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स लीक होने के चांसेस काफी हद तक कम हो सकते हैं। आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने सोचा होगा कि मुझे फ्यूचर में मैथ नहीं लेना है, तो मुझे इतनी मेहनत करके इसे क्यों पढ़ना है। CBSE ने इसे भी ध्यान में रखा है। दो क्वेश्चन पेपर्स होंगे, एक इजी होगा और एक डिफिकल्ट होगा। जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में मैथ एज ए सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं, वो इजी पेपर चूज कर सकते हैं, और जिन्हें फ्यूचर में मैथ एज ए सब्जेक्ट चाहिए, उन्हें डिफिकल्ट पेपर चूज करना होगा। इससे बच्चों के ओवरऑल रिजल्ट्स में भी काफी हद तक फर्क पड़ेगा। CBSE ने 2018-19 परीक्षा के दौरान होने वाले ये 6 बड़े बदलाव हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बदलाव आपको अपनी परीक्षा में बेहतर स्कोर करने में मदद जरूर करेंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपके जो भी डाउट्स हैं हमें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।